फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है, थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे सुपर चार्जिंग प्रोसेस को लेकर बात करने वाले हैं, सुपर चार्जिंग होता क्या चीज है, कहाँ पर यूज किया जाता है और इसको SI में प्रीफर करना चाहिए या CI में, और इसके अलावा इसको कहां पर यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है और एक्चुअल में इसको यूज करने के बाद चीजें होती क्या चीज है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपर चार्जिंग को लेके और बात करते हैं कि सुपर चार्जिंग, देखिए सीधी सी बात है, सुपर चार्जिंग का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सुपर चार्जिंग मतलब आपका जो इंजन के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है या एयर जा रहा है, डिपेंड करता है SI है कि CI है। अगर आपका SI इंजन होगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर से इंटर करता है, और अगर आपका CI इंजन है तो इनलेट वाल्व से आपका ओनली एयर इंटर करता है। तो सुपर चार्जिंग जो प्रोसेस है, ये जो आपका एयर या एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर कर रहा है, इसको पहले से कंप्रेस करके भेजना है, किसमें, इंजन के अंदर। बात है ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, अगर आप जो सिलेंडर के अंदर एयर या एयर फ्यूल मिक्सचर को पहले से कंप्रेस करके डालोगे तो कंप्रेस करने से उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब आप उसको उठा के अगर सिलेंडर के अंदर डालोगे तो डेफिनेटली पहले सिलेंडर के अंदर जितना आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा था अब उससे ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में सिलेंडर के अंदर जाएगा तो बर्निंग आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां एयर फ्यूल मिक्सचर ज्यादा गया तो बर्न भी ज्यादा होगा, और बर्न ज्यादा होगा तो वहां से आपको पावर आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंजन का पावर बढ़ जाता है। लेकिन बात है इसको किस तरीके से कंप्रेस किया जाए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज ये कि अगर हमसे सुपर चार्जिंग के बारे में बात किया जाए तो सुपर चार्जिंग मतलब क्या है, सीधा सीधा आप इसको लिख सकते हो क्या, कंप्रेसिंग द एयर या एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, फिलहाल मैं एयर लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कंप्रेसिंग द एयर बिफोर एंटरिंग द सिलेंडर, बिफोर एंटरिंग द सिलेंडर, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, बिफोर एंटरिंग द सिलेंडर। तो ये चीज आपको समझ में आया, तो ये जो हमारे पास चीजें दिख रही है ये आपका सुपर चार्जिंग है, कंप्रेसिंग द एयर बिफोर एंटरिंग द सिलेंडर। अब देखिए यहां पर चीजें होती क्या चीज है, इसको हम लोग एक बार समझते हैं कि ये जो हमारा सुपर चार्जिंग वाला प्रोसेस है, देखिए सीधी सी बात यह है कि हमें क्या करना है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेंडर है, तो यहां पर एक इनलेट वाल्व है, यहां पर एक एग्जॉस्ट वाल्व है, और यहां पर फिलहाल जो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये हमारा FI, दिस इज द फ्यूल इंजेक्टर फॉर CI इंजन, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रैंकशाफ्ट है, इस तरीके से हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर ये हमारा जो है इंजन जो आपका पिस्टन है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि यहां पर जो आपका इंटर कर रहा है वो आपका एयर इंटर कर रहा है, ठीक है, जो आपका एयर जा रहा है कहीं ना कहीं हमारी कोशिश क्या है कि इस एयर को पहले ही कंप्रेस करके डाला जाए, मतलब यहां पर क्या है इस एयर को कंप्रेस करें। अब बात है कि एयर को किस तरीके से कंप्रेस किया जा सकता है, तो डेफिनेटली जो हमारा एयर है उसको कंप्रेस करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, कंप्रेसर। तो जो हमारा है तो हमने क्या किया, यहां पर हमने एक लगा दिया क्या, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में आपका क्या होगा, यहां से जो आपके एयर है, एयर कौन सा आप ले सकते हो, दिस इज द एटमॉस्फेरिक एयर, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है, तो पहले एटमॉस्फेरिक एयर को डायरेक्ट हम लोग इंजन के अंदर जाने दे रहे थे, अब क्या करेंगे कंप्रेसर से पास करेंगे, तो कंप्रेसर क्या करेगा इस चीज को और कंप्रेस कर देगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ने से क्या है ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर इंटर करेगा। इसके फायदे नुकसान के बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस चीज को समझिए, तो यहां से जब आपका क्या है फाइनली कंप्रेस्ड एयर अंदर गया, तो ये जो आपका यहां पर जब बाहर निकलेगा तो दिस इज द कंप्रेस्ड एयर। लेकिन बात यह है कि ये आपका जो आपने कंप्रेसर लगाया है, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए भी तो आपको पावर लेना पड़ेगा, ठीक है, और जो कंप्रेसर होता है एक हेवी अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करता है। अगर आपको याद हो तो गाड़ी के इंजन में जैसा हमारा अगर AC ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं माइलेज कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि AC के अंदर कंप्रेसर लगा होता है, और जब हम लोग कंप्रेसर को रन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंजन से पावर लेता है, जिसके कारण इंजन का पावर आउटपुट कम हो जाएगा या आपका फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक, यही चीज है कि हमने यहाँ पर ये जुगाड़ तो लगा दिया कि हमने क्या है कंप्रेस्ड एयर को भेजा, लेकिन इस कंप्रेसर को चलाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा ये आपका क्रैंक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये क्रैंकशाफ्ट दिख रहा होगा, तो ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है और ये क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है, मतलब ये जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है और ये क्रैंकशाफ्ट जो इस तरीके से दिख रहा है उसको मैंने इधर प्रोजेक्ट कर दिया है।
अब ये क्रैंकशाफ्ट से क्या करते हैं, इस कंप्रेसर को अटैच कर देते हैं, ठीक है, बेल्ट के थ्रू कर लीजिए या आप चैन के थ्रू, नॉर्मली नहीं किया जाता, बेल्ट के थ्रू ज्यादातर प्रीफर किया जाता है, या आप गियर अरेंजमेंट के थ्रू भी प्रीफर कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ये आपका जो क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा, तो जब ये इस तरीके से रोटेट होगा तो यहां पर क्या है, ये जो आपका शाफ्ट है, ठीक है, ये जो आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट से कनेक्टेड होगा, तो शाफ्ट से कनेक्टेड होगा तो कंप्रेसर का शाफ्ट भी घुमा देगा, जिसके चलते क्या होगा, ये कंप्रेसर कुछ नहीं, इस तरीके का ब्लेड है ये, ठीक है, और इस ब्लेड में क्या है, हमने एयर भर दिया, एयर भरने के बाद हमारा क्या हुआ, यहां से कंटिन्यू गया, अब ये आपका कंप्रेस एयर चल गया। लेकिन इससे क्या है, देखो फ्रेंड्स, नुकसान थोड़ा हुआ है। नुकसान क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं आपने डायरेक्ट अगर यहां क्रैंकशाफ्ट से पावर लिया है तो क्रैंकशाफ्ट की जो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या बोल सकते हो कि क्रैंकशाफ्ट जो एक्चुअल में पावर दे रहा था, अब ये कुछ पावर इधर सप्लाई किया है, तो ये आपका क्या हो गया, पावर आउटपुट कम हो गया। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो हमारा पोर्शन है, ये सुपर चार्जिंग तो है, ठीक है, सुपर चार्जिंग जस्ट एक प्रोसेस है, ठीक है, और ये जो हम लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं, इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं सुपर चार्जर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया कि हमारा नो डाउट पावर आउटपुट तो बढ़ा, लेकिन यहां से पावर आउटपुट जो बढ़ा उसका कुछ पार्ट खींचा भी तो गया है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन जुगाड़, ठीक है, वो बेहतरीन जुगाड़ क्या किया गया है, आजकल जो यूज होते हैं गाड़ियों में वही यूज होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या चीज है, देखिए, ये यहां पर हमने सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट लगा दिया है, तो ये हमारा देखिए, दिस इज द इनलेट वॉल्व, ये है हमारा एग्जॉस्ट वॉल, और यहां पर अगेन मैं लगा रहा हूं, दिस इज द फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंजन है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो आपका इंटर कर रहा है, ये हमारा क्या है, जो पिस्टन है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में है। अभी हमको करना क्या है, यहां पर हमको एयर इंटर कराना है, तो यहां पर जो हमारा इंटर किया है, ये हमारा इंटर किया है एयर ओनली, ठीक है। अब यहां पर देखिए चीजें क्या होगी, यहां पर जो आपका एयर है वो एयर क्या सिलेंडर के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमको फाइनली करना क्या चीज है, ये जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है जहां से आपका फ्यूल स्प्रे हो रहा है, अब देखिए ये जो आपकी एग्जॉस्ट गैस निकली, यहां पर हमारा क्या है, देखिए यहां पर कहीं ना कहीं मुझे अटैच करना पड़ेगा क्या, कंप्रेसर, ये जो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमको यहां पर अटैच करना पड़ेगा कंप्रेसर। अब ये कंप्रेसर को चलाने का जुगाड़ था, तो यहां पर हमने जो जुगाड़ लगाया वो क्या जुगाड़ है कि हमने क्रैंकशाफ्ट से अटैच कर दिया है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यहां से देखिए एग्जॉस्ट वॉल्व से कौन सी गैस आएगी, एग्जॉस्ट गैस आएगी, तो यहां पर जो आपकी एग्जॉस्ट गैस आ रही है, अब देखिए जो हमारे पास एग्जॉस्ट गैस आती है उसका कहीं ना कहीं आपका प्रेशर भी हाई होता है और हमारा टेम्परेचर भी हाई होता है, यही तो एग्जॉस्ट गैस होती है। और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, साइलेंसर में भेज देते हैं, जो साइलेंसर क्या करता है, ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली जो गैस है, इसके अंदर जो एग्जॉस्ट गैस के जो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर जो हमारे पास एग्जॉस्ट गैस आई हुई है, उस एग्जॉस्ट गैस को अभी हम लोग साइलेंसर में नहीं भेजेंगे, इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का यूटिलाइज करते हैं। देखिए किस तरीके से आपको फाइनली देखिए करना क्या है, कंप्रेसर चलाना है, इसी गैस का हम लोग यूज करेंगे कंप्रेसर को चलाने में। किस तरीके से, ये हमारे पास शाफ्ट है, इस तरीके से ब्लेड लगा हुआ है, इस शाफ्ट को रोटेट कराना है। शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक अटैचमेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्बाइन, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक टर्बाइन अटैच किया और टर्बाइन को भी हमने सेम शाफ्ट से अटैच कर दिया। अब ये टर्बाइन क्या करेगा, टर्बाइन बेसिकली क्या करता है, एक्सपांड करता है, उसको इनलेट पे क्या चाहिए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ये वाली जो गैसेस है, इस गैस को हम लोग क्या है, टर्बाइन के इनलेट पे हम लोग भेज देते हैं। तो ये हमने इसको क्या किया, टर्बाइन के इनलेट पे हमने भेजा, और ये जो आपका है, दिस इज द एग्जॉस्ट गैस। अब ये एग्जॉस्ट गैस क्या होगा, ये आपका कहां जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां लोग धोखा खाते हैं क्या, ये एग्जॉस्ट गैस को आपने भेजा कहां पे, टर्बाइन में। तो जब टर्बाइन में भेजोगे तो यहां एग्जॉस्ट गैस खत्म है, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग डायरेक्ट क्या है, फिर से इंजन के अंदर भेज दिए। तो यहां पर एग्जॉस्ट गैस आउट, अब आप इसको क्या है, साइलेंसर के अंदर भेजिए। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां जो आपका कंप्रेसर है, तो यहां पर जो आपका इंटर करेगा वो आपका इंटर करेगा कौन सा एयर, यहां पर इंटर करेगा एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। और फाइनली ये रोटेट होने के बाद जब यहां पर आगे बढ़ेगा तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कंप्रेस्ड एयर, क्लियर। अब ये कंप्रेस्ड एयर जो आपको जा रही है, यही आगे क्या है, आपका वॉल्व के अंदर जाएगी। तो ये हमारा कंप्रेस्ड एयर है जो आपका क्या है, सिलेंडर के अंदर जा रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आई, तो देखिए फाइनली अगर आप देखोगे सुपर चार्जिंग को लेके, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक प्रोसेस दिख रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है, हमने क्रैंकशाफ्ट का पावर यूज नहीं किया है, हमने
उस चीज का, किसका, एग्जॉस्ट गैस का, जो हमारा वेस्टेज अमाउंट ऑफ गैस था उसकी एनर्जी को हमने यूज किया, एनर्जी को यूज करने के बाद हमने फाइनली रिलीज कर दिया, और यहाँ पे एटमोस्फेरिक एयर को कंप्रेस करने के बाद कंप्रेस एयर को हमने क्या किया है, यूटिलाइज किया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज जो दिख रहा होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सुपर चार्जिंग बोला जाता है, और इसमें जो डिवाइस यूज हो रहा है, जैसे ये आपका डिवाइस है, सुपर चार्जर होता है, ठीक है। अब बात है कि इसको कहां पर, कौन से इंजन में हमारा यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है, SI में कि CI में, और इसको यूज करने से क्या क्या हमारे फायदे और नुकसान है। देखिए, सबसे पहला चीज, यहां पर दोनों सुपर चार्जर है। अगर आपसे सुपर चार्जर की बात किया जाए तो यहां पर दोनों सुपर चार्जर है, बट यहां पर जो सुपर चार्जर का जो कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर बेसिकली यूज होता है, और जो रोटरी कंप्रेसर यहां पर यूज हो रहा है वो आपका कहां से यूज हो रहा है, वो आपका क्रैंकशाफ्ट से पावर ले रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एग्जॉस्ट गैस को यूटिलाइज कर रहा है, मतलब ये जो हमारे पास एग्जॉस्ट गैस है वो एग्जॉस्ट गैस को क्या कर रहा है, ये यूटिलाइज कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा बनता है क्या, सुपर चार्जिंग, ठीक है। और वो प्रोसेस, दोनों सुपर चार्जिंग है, और जहां पर आप एग्जॉस्ट गैस का यूटिलाइज करके इंजन को, जो आप कंप्रेसर को चलाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं टर्बो चार्जर। नाम सुना है आपने, बहुत सारी गाड़ियों में लिखा रहता है टर्बो चार्जर, तो अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि टर्बो चार्जर का बेसिक फंक्शन क्या है। देखिए, आपका ये स्पेशल, दोनों आपका सुपर चार्जिंग है, सुपर चार्जर आपका डिवाइस होता है, सुपर चार्जिंग प्रोसेस है, और टर्बो चार्जर वो अगर लिखा है, और बेसिकली हर जगह आजकल टर्बो चार्जर यूज होता है जहां पर हम लोग एग्जॉस्ट गैस को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये हम लोग एग्जॉस्ट गैस को यूटिलाइज करते हैं कहां, इंजन को रन कराने के लिए, मतलब एयर को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, बात है कि इससे क्या क्या फायदा और मेरा नुकसान हुआ। देखिए, सीधी सी बात, अगर आप नॉकिंग के बारे में जानते होंगे तो नॉकिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो हमारा नॉकिंग या डेटोनेशन की जो बात की जाती है, बेसिकली होता क्यों होता, ये डिपेंड करता था कि आपका इंजन SI है कि CI है। देखो, अगर इंक्रीज करेंगे नॉकिंग टेंडेंसी कब, SI इंजन में अगर आपका टेम्परेचर हाई हुआ तो, और CI इंजन में टेम्परेचर लो हुआ तो, मतलब आपका किसी भी SI या CI के अंदर नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी कब, जब SI इंजन है तो उसका टेम्परेचर हाई रखोगे तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, और CI इंजन है तो टेम्परेचर लो करेंगे तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। मतलब हमेशा आपको प्रीफर क्या करना है, प्रीफर आपको ये करना है क्या कि हमेशा जो SI इंजन है, इस SI इंजन का जो टेम्परेचर है वो आपका कम होना चाहिए, और जो CI इंजन है इसका जो टेम्परेचर है वो आपका हाई होना चाहिए। अब देखिए, अब अभी तक जो आपका एयर जा रहा था वो सिलेंडर के अंदर जा रहा था, और नॉर्मली अगर हम लोग सराउंडिंग से भेज रहे थे तो जो भी टेम्परेचर था, अगर अब आप इसको पहले ही कंप्रेस कर दोगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये चीज किसके लिए बेनिफिशियल है, यहां पर देखिए, SI इंजन में क्या है, अगर आप टेम्परेचर को हाई करके भेज दोगे तो नॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन CI इंजन में अगर आप टेम्परेचर को हाई करोगे तो ये हमारे लिए प्रीफर कंडीशन है। मतलब ये सीधा सीधा चीज ये है कि जो आपका सुपर चार्जर, ये जो आपका सुपर चार्जिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सुपर चार्जर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हम लोग प्रीफर करते हैं किस इंजन के लिए, ये बेसिकली प्रीफर किया जाता है CI इंजन के लिए। SI इंजन में प्रीफर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, SI इंजन में ये आपका सुपर चार्जर प्रीफर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ड्यू टू नॉकिंग टेंडेंसी। क्यों होगा नॉकिंग, क्योंकि ये आपका टेम्परेचर क्या है, कहीं ना कहीं इस चीज को हाई कर देगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा SI इंजन होता है वो SI इंजन में आपका क्या है, नॉकिंग टेंडेंसी को बढ़ा देता है, इसीलिए हम इसको प्रीफर करते हैं किस में, प्रीफर इन CI इंजन, ठीक है। ये तो पहला चीज आपको क्लियर हुआ। दूसरा चीज, अब हम लोग आते हैं कि और क्या क्या इसको यूज करने से फायदा है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि यहां पर जब आप जो एयर यूज किए, एयर को आप अंदर डाल रहे हैं, अब क्या अंदर आपको कंबशन होना है, ये हमको चीज क्लियर है कि कंबशन के लिए जितना प्रॉपर हमको ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा फ्यूल के अंदर आपकी बर्निंग उतनी अच्छी होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। देखिए, जो हमारा फ्यूल यूज होता है, फ्यूल का कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है, ये पूरा जो आपका पेट्रोल और डीजल है हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसको ऑक्सीजन मिले तो फाइनली क्या है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो फाइनली ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाने वाला है। अभी क्या है कि अगर आप इसके अंदर
प्रॉपर एयर नहीं देंगे तो बर्न होने के बाद अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिला तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और CO2 नो डाउट हमारे लिए कोई हार्मफुल गैसेस नहीं है, और एक फायदा और है कि ये क्या जो प्लांट होते हैं उनके लिए नो डाउट बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये जो आपका सी और ये जो आपका CO2 है, अगर इस केसेस में हम लोग बात करें तो चीजें क्या होंगी, तो सीधी सी बात है कि अगर आप ज्यादा एयर को कंप्रेस करके डालोगे तो ऑक्सीजन का लेवल भी क्या होगा, एयर के साथ ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो ये बर्न होगा तो CO2 के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि पॉल्यूशन लेवल को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एडवांटेजेस में बात करूं तो इसका क्या क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पर आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होगा एयर आएगा तो फ्यूल अगर आपका जाएगा तो पावर भी बढ़ेगा। और आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि ये टर्बो चार्जर यूज करने से जो पावर है करीब करीब 1.5 टू 2 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाता है, ये मतलब डेढ़ से दो गुना तक पावर आपका बढ़ जाता है। दूसरा चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जैसा कि हमने बात किया क्या पॉल्यूशन लेवल को कम कर दे रहा है, ठीक है, जो आपका पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को क्या करता है डिक्रीज करता है, क्लियर। थर्ड चीज अगर आप देखिए यहाँ पर तो देखिए एक चीज है कि ये जो टर्बो चार्जर है आपने देखा है क्या डिवाइस, एक छोटा सा डिवाइस होता है लेकिन बहुत ही हैवी होता है। हैवी होने के कारण क्या होता है इंजन का आपका क्या हो गया और वेट बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर मैं डिसएडवांटेजेस पे बात करूं तो डिसएडवांटेजेस में चीजें क्या हो सकती है, यहाँ पर मैं कुछ डिसएडवांटेजेस पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला चीज आपको ये समझ में आएगा क्या कि ये जो हमारे पास जो इंजन है इंजन आपका क्या हो गया है बल्कि हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपका इंजन है इंजन आपका हो गया है बल्कि, ठीक है, हेवी इंजन आपका हो गया है। दूसरा अगर आप इस पे बात करेंगे तो क्या होगा, देखो इंजन बल्कि होने के कारण कहीं ना कहीं क्या है मैकेनिकल एफिशिएंसी की कम हुई है, ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज। कहीं कहीं देखो होता क्या है मैकेनिकल एफिशिएंसी थोड़ी डाउन हुई है पावर थोड़ी सी बढ़ गई तो कहीं ना कहीं चीज आपस में क्या बैलेंस हो जाती है। तो ये अगर इक्वल भी लिखा जाए नो इफेक्ट भी तो या स्लाइटली राइज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा वेरिएशन है इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी तो बढ़ रहा है लेकिन पावर भी आपका बढ़ रहा है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी से रिलेटेड। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब इसके अंदर जितनी भी एयर है वो एयर आपका ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक थे सुपर चार्जिंग के बारे में। तो जो हम लोग सुपर चार्जिंग के बारे में देख रहे हैं इसमें आपको क्या मिलेगा कि जो हमारा सुपर चार्जिंग है उसके कुछ फायदे और नुकसान, लेकिन इसको सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना है क्या कि जो हमारा सुपर चार्जर है एसआई में प्रीफर नहीं किया जाता। हालांकि आजकल की जो लेटेस्ट मॉडल गाड़ियां हैं उसमें भी आपका एसआई इंजन में भी प्रीफर कर रहे हैं कुछ अलग तरीके का इंटरकूलिंग लगा के, इंटरकूलर आपने देखा होगा इंटरकूलर लगा के वो चीज को यूज किया जा रहा है। लेकिन इस केसेस में अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे जो सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो केवल और केवल हमको क्या पढ़ना है, सीआई इंजन में प्रीफर किया जाता है एसआई में यूज नहीं किया जाता है, ये इसके फायदे हैं और ये इसका नुकसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।